हमारे साथ हैं एक हमारे दोस्त यूट्यूबर, हमारे दोस्त राजा, और उनकी ये गाड़ी है एक्सेंट गाड़ी ह्यूंडई कंपनी की। और मॉडल या किसी और की है? नहीं यार झूठ मत बोलो। और मॉडल कौन सा है? 15 मॉडल है, 14 है, 14 मॉडल है भाई। अब्यूजिंग यू कर रहे हैं, अब्यूजिंग यू कर रहे हैं। 14 है बस। आपको अच्छा लगे मतलब इस तरीके से अगर आपका ये कंटेंट डाले यूट्यूब पर डाल देना। और गाड़ी चला रही है 40 पर, और इसका जैसे कुछ आपका म्यूजिक सिस्टम इस तरीके से दिखता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और गाड़ी में इसके स्टेयरिंग पे इस तरीके से कुछ बटन वगैरह दिए हुए हैं, सारे कंट्रोल वगैरह दिए हुए हैं। और गाड़ी का इनो का जो मीटर है, कितनी चली हुई गाड़ी यार? भैया 2.5 लाख। तो इसमें मीटर में आ नहीं रहा है, इसमें कुछ भी बंद हो गया मीटर? गाड़ी का मीटर ही बंद हो चुका है इनका। कितनी चल गई गाड़ी? लगभग 1 लाख चल चुकी है गाड़ी। 1 लाख चलिए। ये विश्वेश जी हैं जो हमारे बता रहे हैं। माय चैनल आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो इस समय हम गाड़ी में चल रहे हैं, ह्यूंडई गाड़ी है जो ह्यूंडई की एक्सेंट गाड़ी है। और ये गाड़ी का जो वेरिएंट है वो डीजल में है, और गाड़ी का जो मॉडल है 2014 है। और इसमें जो गाड़ी में अभी इस समय शख्स ड्राइव कर रहे हैं, इनका नाम है मिस्टर राजा, और ये हमारे दोस्त हैं, और इन्हीं की ये गाड़ी है। तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस है सर आपका इसके बारे में, मतलब कार के बारे में क्या रिव्यू देना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत बढ़िया, 5 स्टार। 5 स्टार तो दे रहे हैं आप। इसका प्लस या नेगेटिविटी में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लस पॉइंट या इसके माइनस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट बहुत बढ़िया है, एवरेज बढ़िया है, इजी टू मेंटेन है। हाँ, इजी टू मेंटेन है, स्पीड अच्छी है, मेंटेनेंस कम है इसका, हुंडई की सिक्योरिटी अच्छी है जी। मगर अगर नेगेटिविटी की बात करें तो भाई बहुत नीचे है, सेडान का पूरा वो है। अच्छा, तो नीचे ज़्यादा है, आपको रोड में गड्ढे वड्ढे देख के चलानी पड़ेगी गाड़ी। अच्छा, ये तो ये गाड़ी काफ़ी वाकई में कह सकते हैं आपको, एक तो सेकेंड हैंड मार्केट में आपको आसानी से उपलब्ध है, इजीली आप इस गाड़ी को खरीद सकते हैं पेट्रोल में डीजल में। और ये गाड़ी की सबसे अच्छी बात है कि आपको रीजनेबल रेट में मिल जाती है, इसके रेट काफ़ी कम है, इतनी वैल्यू फॉर मनी है कि आप इसको आसानी से सेकेंड हैंड मार्केट में 3 से 3.5 लाख रुपये में 15-14 मॉडल, नहीं 4 लाख से 4.5 लाख, 4 लाख में भी बॉस आप थोड़ा सा मॉडल को अपग्रेड ले सकते हैं। हमारा वाला ऐसे टॉप से नीचे वाला वेरिएंट है, ये हम 4 लाख रुपए में बेच रहे हैं। 4 लाख रुपए में आप कोई, आप कोई खरीदार तो बताइए। चलिए चलिए कोई नहीं, तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये जो गाड़ी 4 लाख रुपए में बिच रही है, और इसके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन में इसमें नंबर डाल दूंगा, कोई भी अगर जो बंदा हो लेने वाला, नंबर डालना होगा, मैं आपका नंबर नहीं डालूंगा, मैं अपना नंबर डालूंगा, पहले मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे ना। गाड़ी खड़ी हुई ये ह्यूंडई की एक्सेंट गाड़ी है, और 2014 का मॉडल है, और इस गाड़ी का जो वेरिएंट है वो डीजल में है। तो इसके जो ओनर है वो हमारे साथ में ही है, आप सभी लोगों को उससे मिलाते हैं, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरे वीडियो पे बने रहिए, लास्ट तक देखिए। चलिए, सो हेलो मिस्टर राजा, कैसे हैं आप? हाय, थैंक्स। तो ये कार आपकी भैया, आप इसको कब से ऑन कर रहे हैं? 2014। तो ये जो आप 2014 से इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका जो वेरिएंट है आपका डीजल में है, तो उसको आपको सबसे बड़ी बात आती है इसका एवरेज क्या है? सभी लोगों के मन में आता है कोई भी अगर हम एक गाड़ी खरीदते हैं तो उसका एवरेज क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, तो इसका एवरेज क्या लगता है आपको? देखिए फ्रेंड्स, एवरेज की अगर बात करें तो नॉर्मल आजकल कोई जो बाइक्स आ रही है उनका एवरेज, एक अच्छी बाइक लें आप अगर, तो एवरेज शायद रहता है 30 से 35। अच्छा, ये और इस गाड़ी का एवरेज है 25 से 30। 25 से 30 का डीजल में एवरेज, तो आप ये मान के चलिए आप एक बाइक ही चला रहे हैं। चलिए, तो मैं मान सकता हूँ आपका 25 से 30 का जो एवरेज बता रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा 30 अटपटा लग रहा है सुनने में, 25 के प्लस तो मान सकता हूँ। आप मुझे अभी ले चलिए, मैं हाईवे पे जी इसका एवरेज क्लेम करूँगा, और 25 से 28 आपको सिटी में दिखा दूँगा। 25 से 28 का सिटी में भाई, बहुत ही एक मतलब अगर एक कह सकते हैं कि इतना बढ़िया एवरेज दे रही है कार, तो वाकई में पॉकेट में बहुत हल्की वाली है। ड्राइव सेंसिबल होनी चाहिए जी, आप अच्छे फ्यूल का इस्तेमाल करें, हर जगह से आप फ्यूल ना डलवाएं। हाँ, ये फ्यूल वाला भी जो एक थोड़ा सा एक सब्जेक्टिव आपका ये मुद्दा आप जरूर आपके, है आपको आपके आरपीएम, आपके ऑडोमीटर का ध्यान होना चाहिए कि आप कितने आरपीएम पे कब आप उसको चलाएं, आपको ये मालूम है अगर, तो आप इको भी ड्राइव कर सकते हैं, और आपको जब चाहिए पावर की आवश्यकता पावर ही। हाँ, वो तो है आपका। खैर चलिए, इसका सबसे अच्छी बात आपका आपका जो एवरेज है वो अच्छा है, और CRDI जो इनका ह्यूंडई का इंजन है वो अच्छा रिलायबल इंजन माना जाता है, वो अच्छा परफॉर्म करता है। तो इसकी जो गाड़ी का आपका सबसे बड़ी बात है मेंटेनेंस, कैसा रहता है मेंटेनेंस? मेंटेनेंस सर देखिए, मारुति की कोई भी गाड़ी आप लेंगे, सुजुकी या ये डिज़ायर वगैरह, इनसे तो देखिए ऊपर है ही है। अच्छा, तो सेफ्टी के मामले में आप देखें मारुति सुजुकी की गाड़ियों से काफ़ी बेहतर गाड़ी है। आपको गाड़ी अंदर और बाहर से थोड़ा सा ही नज़ारा दिखाते हैं, चलिए कर दिया हम। तो जैसा कि आप गाड़ी देख सकते हैं, एक ओरिजिनल गाड़ी की कंडीशन देखिए, कैसे पहचान कर सकते हैं, जो इसकी गेट की आवाज़ देखिए आप, एक तो हैवी फील आ रहा है, और गाड़ी की देखिए ओरिजिनलिटी, इससे पता चलता है कोई भी किसी तरीके से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई एक्सीडेंट नहीं है, और गाड़ी आप जब भी ले सेकेंड हैंड चेक कर सकते हैं,
और सारे पॉइंट्स आप चेक करें, जैसे कि इनके पैडल हैं तो बिल्कुल ये लग रहा है कि जेन्युइन पैडल हैं, अभी भी कहीं भी कोई घिसाट नहीं महसूस हो रही है, बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं। गियर नॉब को देख सकते हैं, गियर देखिए, जैसे इस पर कोई भी कोई ऐसा निशान नहीं जैसे ये ऐसा लग रहा है ये पुराना है। गाड़ी बाकी में बहुत कम चली हुई है और इस चीज़ का आकलन आप इस चीज़ से आराम से कर सकते हैं कि इसमें किसी प्रकार की आपको कोई घिसावट नहीं दिख रही है। स्टेयरिंग में देखिए कोई भी कैसी भी घिसावट नहीं है, तो गाड़ी काफ़ी अंदर से नीट एंड क्लीन है। और पीछे से भी आप देख सकते हैं गाड़ी, तीन बंदे आराम से, तीन जन आराम से इसमें बैठ जाते हैं बिना किसी तकलीफ के। तो ये था आज गाड़ी का ये रिव्यू, और राजा भाई थे हमारे साथ में जिनकी ये गाड़ी थी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।